पूरी लोकल मार्केट है इसके दगे ना। अच्छा ये देख लो, ये हनुमानगढ़ी के बिल्कुल सामने मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। और ये पूरी मार्केट लता मंगेशकर चौक जो कि बहुत फेमस है, आपने एक वीणा देखा होगा हर वीडियो में। अयोध्या में आए और सरयू नदी में बोटिंग नहीं करी तो बेकार है आप लोगों का ना। जगह के साथ पीछे वाली बोटिंग फुल एंजॉय। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको पूरे अयोध्या के लोकल टूर के बारे में, साथ ही क्या क्या लोकल अट्रैक्शन है जो आप फ्री अट्रैक्शन है जहां पे आप घूम सकते हो, साथ ही आपको बताएंगे सरयू नदी के बारे में और सरयू नदी में बोटिंग में आप क्या क्या मस्ती कर सकते हो, तो सारी चीजें इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज, राम मंदिर में दर्शन करने के बाद आप यहाँ की लोकल मार्केट में घूम सकते हो, क्योंकि अयोध्या की जो लोकल मार्केट है बहुत बड़ी लोकल मार्केट है। और इस लोकल मार्केट में मैं भी घूम रहा था तो मुझे एक बहुत ही यूनिक चीज मिली, ये आप देख सकते हो, ये पेन है। ये मुझे काफी यूनिक लगा क्योंकि इसके अंदर से ना राम जी की फोटो निकलती है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, अभी मैं एक स्लाइड करके दिखाएगा आपको, दिखाना एक बार स्लाइड करके इसको। ये देखो, ये स्लाइड करता है तो पूरी फोटो निकल जाती है एक साइड से ना। तो ये पेन है, एक 20 रुपए का पेन है जिसमें आपको मतलब उसकी राम जी की फोटो मिल जाएगी, पीछे कैलेंडर मिल जाएगा राम तीर्थ ट्रस्ट का ना, तो लेना चाहो तो ले सकते हो। अच्छी चीज है बच्चों के लिए, 20 रुपए में तो सस्ते में छूट जाऊंगे अगर बच्चों को लोगे तो। बाकी पे ये सारी लोकल मार्केट लगी, पीछे तक लगी, वो आगे तक बहुत लंबी मार्केट है, इधर भी इधर भी। अभी रोड पार कर लेता हूँ एक बार। ये पूरी लोकल मार्केट है इसके अयोध्या की ना, जो अभी बनाई है, पहले ना गली छोटी थी पर अभी मतलब कुछ इससे तोड़ के ना थोड़ी सी लंबी कर दी है अभी पूरी। अभी देखो, ये भी पूरी मार्केट बनी हुई है हनुमानगढ़ी नया घाट का ना। तो ये छोटी सी मार्केट है जो हनुमानगढ़ी की हमने आपको पहले वीडियो में दिखाई थी ना, यहाँ चारों तरफ मार्केट ही मार्केट लगी हुई है भाई। कहीं चले जाओ वहीं पे आपको मार्केट देगी, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ की, पूरा दिन घूमते रहो जब भी खत्म नहीं होती। ये लाइन दिखाता हूँ अभी हनुमानगढ़ी की, सुबह आपने देखी था ना छोटी सी भी लाइन थी, अब देखो कितनी लंबी लाइन हो रही है इधर। ये देख लो पूरी लंबी लाइन। तो भाई यहाँ पे ना हर तरह की चीजें आपको मिल जाएंगी, जैसे आपको अगर लेडीज आइटम लेना है, बच्चों के लिए कुछ लेना है, एक की चैन वगैरह है, टेडी बियर है, छोटी से लेके बड़ी चीज तक आपको यहाँ सभी मिल जाएगी। एक छोटी सी दुकान है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, साथ ही दूसरी दुकान है अगर आपको मंदिर का कुछ सामान लेना है, इस पर घंटिया वगैरह सब चीजें मिल जाएंगी आपको मंदिर से ए टू जेड लेके। तो आप यहाँ पे कम्प्लीट शॉपिंग कर सकते हैं जिसमें आपको 2 से 3 घंटे बड़े आराम से लग जाएंगे। गाइस, ये ना पूरी लोकल मार्केट है जो मैं लोकल मार्केट घुमा रहा हूँ आपको ना, पूरी लोकल मार्केट टूर घुमा रहा हूँ। और ये नवीन जी हमारे साथ घूम रहे हैं, तो पहला टूर है हमारा इनके साथ। ये पूरी मार्केट है, सब पे ना ऊपर नाम लिखा हुआ है कि कौन सी किस चीज की दुकान है, अगर कोई लोग फॉरन से आते हैं जिन्हें नहीं समझ में आ पाता कि कौन सी चीजें हैं, तो ऊपर सबका लिखा हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में लिखा हुआ है। हिंदी में ईश्वर चंद्र सिंगार, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। तो ये चीज काफी अच्छी है जो यहाँ के टूरिज्म अट्रैक्शन को बढ़ा सकती है कि दोनों भाषा में लिखा हुआ है सब, है ना, हिंदी इंग्लिश। ये पूरी लोकल मार्केट है जो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको सारी। और यहाँ पे ना अभी सूर्य स्तंभ जो मैंने सूर्य बताया था, सूर्य स्तंभ बनेंगे, ये 2 सूर्य स्तंभ बने हैं अभी यहाँ बनेगा, अभी काफी सारा कंस्ट्रक्शन में है पूरा। अगर अयोध्या देखना है तो वो तो करीबन 1-1.5 साल जब पूरा मंदिर बन जाए, सारा बाजार बन जाएगा। अभी तो काफी चीजें कंस्ट्रक्शन में है, पर फिलहाल बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप देख सकते हो, बहुत अच्छी चीजें हैं। सामने एक मंदिर है, ये देख लो, ये हनुमानगढ़ी के बिल्कुल सामने मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। और ये पूरी मार्केट। तो गाइस, अभी ना हम जा रहे हैं लता मंगेशकर चौक, जहाँ पे बहुत बड़ा वीणा लगा हुआ है ना, उस वीणे की साइड जा रहे हैं। तो वहां जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा वीणा है। ये सीधा रास्ता है यहाँ से ना, अरे जा रहे हैं अभी हम। ये गाइस, ये देखो आप, अयोध्या में जो कहते हैं ना सिक्योरिटी कितनी है, सिक्योरिटी का सामने एक नजायरा पेश है। ये पुलिस की रेकी हो रही है जो थोड़ी थोड़ी देर में होती रहती है, उसे थोड़ा आगे चलते ही ये बना हुआ है निशुल्क रसोई घर। अगर आपको फ्री में खाना खाना है तो आप निशुल्क रसोई घर में खा सकते हो। साथ ही जगह जगह भंडारे हो रहे हैं भाई, हर चीज भंडारे की मिल रही है यहाँ पे ना। ये सामने भी एक भंडारा हो रहा है, तो आप आराम से जो मर्जी वो खा सकते हो यहाँ पे आके, भाई पूरा माहौल जबरदस्त बना हुआ है। देखो ये एक और भंडारा हो रहा है सामने ना, ये देखो भंडारे की भाई मौज लगी हुई है चारों तरफ को ना, कहीं लंगर लग रहा है, कहीं साउथ इंडियन बटना, सब जगह भंडारा बटा हुआ है।
अभी ये सामने यहाँ पे कढ़ी चावल बट रहे हैं, तो भाई खाने की तो 1% की कोई टेंशन नहीं है, सब आए आराम से, फ्री में खाना मिलेगा सारा भाई। चारों तरफ को भंडारे हुए थे। तो गाइस मैंने अभी पीछे आपको दिखाया ना, वहाँ पे वो निःशुल्क रसोई है, वहाँ पे आप खाना खा सकते हो, और जगह जगह लंगर चल ही रहे हैं तो लंगर भी खा सकते हो। बाकी ये दुकान है, ये पार्क बना हुआ है, फ्री में आप यहाँ भी रुक सकते हो, इधर ही सारा। यहाँ पे भी कोई मंदिर बना हुआ है। यही है वो तुलसी उद्यान जिसके नाम सुना था ना, अंदर जाके। अब अंदर से दिखाते हैं आपको कि तुलसी उद्यान कैसा दिखता है, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ी देर रुक भी सकते हो। पारा का छोटा सा ना एक अंदर, ये देखो मेहंदी लगवाए फ्री में भाई, तो लेडीज है भाई मेहंदी लगवा सकते हैं यहाँ फ्री में ना। ये कमल का एक फूल गिरा हुआ है, इसमें शायद फुहारा चलता है रात को ना। उद्यान के अंदर यही सारी चीजें हैं। तो ये तुलसी उद्यान है, इसमें आप थोड़ा घूम सकते हो, 15-20 मिनट आप रेस्ट कर सकते हो। ये भी एक इसका लोकल अट्रैक्शन है। यहाँ सामने मैंने जो आपको दिखाया, इसमें रात को मतलब लाइटिंग जलती है तो फुहारे वगैरह भी चलते हैं, तो ये शो भी देख सकते हो आप। ठीक है, सामने लिखा है धन्यवाद, तो धन्यवाद। तो गाइस अभी ना पहुंच गए हम लता मंगेशकर चौक, जो कि बहुत फेमस है। आपने एक वीणा देखा होगा हर वीडियो में ना, और जो भी लता मंगेशकर चौक है और जो वीणा है और जो सूर्य स्तंभ है ना, वो सारे इसी चौक में है। मैं अब आपको दिखाता हूँ सारे ने। ये तो सूर्य की फोटो जो उसके सामने दिख रहा है ना आपको, जो कड़े में वो सूर्य स्तंभ है, जो सोलर एनर्जी से चार्ज होते हैं। ये सारे सोलर एनर्जी से चार्ज होता है, फिर रात को जलते हैं इसमें। और सामने ये बच्चा करतब दिखा रहा है, मैं जाता हूँ वीणा चौक जो है। तो भाई अभी ना हम खड़े हैं लता मंगेशकर चौक, जो अयोध्या का बहुत फेमस चौक है। अभी मैंने पीछे वीडियो बनाई थी पर उसमें आवाज़ माइक बंद हो गया था शायद, तो आवाज़ नहीं आ रही थी। तो ये लता मंगेशकर चौक है कि जो कि बहुत फेमस चौक है अयोध्या का। ये लता मंगेशकर जो चौक है मेन जो है ये वीणा से है, जो वीणा रखा हुआ है ना, वीणा से ज़्यादा इसमें रात को लाइटिंग वगैरह होती है। और ये लता मंगेशकर के नाम से ही फेमस इसलिए है क्योंकि जो लता मंगेशकर बहुत बड़ी सिंगर है, तो उन्हीं के नाम पे ना इस लता मंगेशकर चौक का पूरा नाम पड़ा, और वीणा भी इसीलिए रखा हुआ है यहाँ पे। तो भाई ये बहुत ना फेमस चौक है, साथ ही इसके ना सामने आपको सूर्य जो एक फोटो बनी हुई है सूर्य की, वो सामने पार्क में लगी हुई है। और इधर ये जो बने हुए हैं ना, ये सूर्य स्तंभ है, मतलब सूर्य स्तंभ क्या है, ये ना रात को एक्चुअली लाइटिंग होती है इसमें, और ये सारे ना सोलर पैनल से चार्ज होते हैं, और रात को 19 सोलर पैनल से जलते हैं, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी खर्च नहीं होती। यहाँ घूमने के बाद साथ में यहाँ पे काफी सारे और अट्रैक्शन है, जैसे यहाँ पे पास में हेलीपैड है और तुलसी घाट वगैरह है, यहाँ पे एक राम पार्क भी है। तो आप यहाँ पे कहीं से सारी चीजें हैं जो आप अट्रैक्शन घूम सकते हो। साथ ही यहाँ पे कुछ लोकल मार्केट है, तो अगर आपको कुछ यहाँ पे खाना है तो आप खा सकते हो। और साथ ही वीणा के बराबर में एक राम घाट के लिए रास्ता जा रहा है, जहाँ पे रात को लेजर शो होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल मैं थोड़ी फोटो वगैरह खिंचा लेता हूँ वीणा के सामने, क्योंकि काफी फेमस है, और इंस्टाग्राम वगैरह पे जो आपने रीले वगैरह देखे सारे इसी वीणा की है, जो रात को चमकता भी है लाइट से ना। तो गाइस पहुंच गए अभी सरयू नदी, जो अयोध्या की सरयू नदी है, जो बहुत फेमस नदी है। यहाँ पे आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, बोटिंग के प्राइस भी अभी आपको बताऊंगा, पहले तो आप पूरा ना। ये तो मंगलदीप अगरबत्ती का ऐड है भाई ये अयोध्या में, और ये सामने पूरी सरयू नदी है, और वहाँ पे बोट वगैरह भी खड़ी है, तो बोटिंग के चार्ज भी आपको बताऊंगा। ये सामने इधर सड़क वाला पुल है, और ये सामने जो है ये रेलवे का पुल है, ये रेलवे का पुल है। और ये सरयू नदी जो है इसकी ट्रस्ट का नाम है नमामी सूर्य सरयू सेवा ट्रस्ट करके नाम है इसका, इसने पूरी वो बनाई है। मैं आगे चलता हूँ, आगे चल के आपको ना बोटिंग के प्राइस बताता हूँ कि क्या बोटिंग के प्राइस वगैरह है, आगे चल के फिर दिखाता हूँ आपको बोटिंग वगैरह के प्राइस सारे। तो गाइस अभी ना हम जो सरयू नदी में बोटिंग होता है, बोटिंग कर रहे हैं, ये देख लो। और ये करीब ना 100 रुपये चार्ज लेता है पर बंदे का, कोई 150 मांगेगा, कोई 120 मांगेगा, पर आप 100 रुपये दोगे तो 100 रुपये या 80 रुपये में मान जाएगा अगर आप यहाँ से मनाओगे। और अयोध्या में आए और सरयू नदी में बोटिंग नहीं करी तो बेकार है आप लोगों का ना, तो इसलिए सरयू नदी में बोटिंग मस्ट रन है, तो करना जरूर बोटिंग आओगे। बाकी ये जा रहे हैं ये ब्रिज के हमें उस तरफ लेके जाएंगे जहाँ पे लक्ष्मण घाट है, सीता घाट है, 2-3 घाट है, वहाँ से पूरा चक्कर राउंड लेके आएंगे और इधर को घुमाते हुए।
वापिस वहाँ पे जो रेलवे का पुल है उधर से घुमाते हुए लाएंगे और फिर वहाँ पे दोबारा में सरयू घाट पे छोड़ देंगे। भाई वोटिंग ले फुल एंजॉय ये उमंग है आगे भाई आगे सारे तो भाई ये जो पीछे बोट है बोटिंग आ रही है ना तो ये बोटिंग में कुछ लोग हैं ये जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं ये लोग भी साइड में तैर रहे हैं। तो भाई सरयू नदी में घूमने के बाद थोड़ा एंजॉय करें, हमने भी थोड़ा एंजॉय किया सरयू नदी में। तो एंजॉय करने के बाद आप जा सकते हो नया घाट की साइड पे, वहाँ पे ये सत्संग वगैरह होते रहते हैं, दिन में सत्संग चलते रहते हैं, तो इस सत्संग में आप बैठ सकते हैं। यहाँ पे राम जी के बड़े अच्छे अच्छे गीत चलते हैं और उसके बाद रात को यहाँ पे लेजर शो होता है। तो गाइस अभी इंजॉय करो, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे लेजर शो और क्या क्या आप मेन अट्रैक्शन है जो घूम सकते हो। फिलहाल आप हम आपको छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे जो सत्संग हो रहा है इसी में। तो गाइस इंजॉय करो, टिल देन गाइस बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। जय श्री राम का नारा लगेगा, जय श्री राम, जय श्री राम।